साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। आप देख रहे हैं आईबीएन 7, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और बड़ी खबर, पाकिस्तान से ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुंछ में अलग अलग सेक्टर को निशाना बनाकर पाक भारी गोलीबारी लगातार कर रहा है। बता दें पाकिस्तान की ओर से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं और पाक ने पुंछ में 6 पोस्टों पर भी फायरिंग की। कृष्णा घाटी सेक्टर के 5 इलाकों में पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर रहा है। सुबह 3 बजे के करीब पाकिस्तान की बैट टीम ने भारतीय सेना के एक पोस्ट पर भी घात लगाकर हमला किया था जिसमें सेना के एक जवान शहीद हो गए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है और आज एक बार फिर से कुछ इसी तरह से उल्लंघन हुआ और एक जवान शहीद हो गए। आज देखिए पुंछ में बीती रात अगर हम कहें, लगभग आज सुबह ही कह सकते हैं, लगभग 2 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से जो केजी सेक्टर है, कृष्णा घाटी सेक्टर, वहां पर घात लगाकर हमला किया गया। एक पोस्ट के ऊपर बैट एक्शन किया गया और उसके बाद फायरिंग की गई, तो दोनों तरफ से फायरिंग अभी जारी है। अभी तक जो खबरें आ रही है, एक जवान शहीद हुआ है और दोनों तरफ से हैवी मोटार शेलिंग और फायरिंग जो है वो पूरे पुंछ सेक्टर में और केजी सेक्टर में चल रही है। लगभग 6 पोस्टें हैं भारतीय सेना की जिसको पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है और सिविलियन इलाकों में मोटार शेलिंग भी की जा रही है। पिछले 2 दिन बिल्कुल शांति थी इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के ऊपर, लेकिन आज अचानक सुबह लगभग 2 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई और एक बैट एक्शन के साथ ही फायरिंग की गई जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और खबर ये भी है कि एक दो जवान घायल भी हो सकता है, लेकिन आर्मी की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग और हैवी शेलिंग जो है वो पुंछ सेक्टर में चल रही है। जी बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखें तो इस सीज फायर के उल्लंघन में और जिस तरह से लगातार फायरिंग हो रही है उसमें एक जवान शहीद।